हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीतू कुमार, कैसे हो आप सब भाई? आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में गाइस कि ये प्रोडक्ट किस टाइप का है, किस तरीके से यूज करना है और कितने समय तक यूज करना है, कौन से स्किन पर यूज करना है, कितनी इसकी प्राइस क्या है और कहाँ मिलेगा ये प्रोडक्ट, ये सब फुल डिटेल मैं आप लोगों को समझाऊंगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कॉमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप भी इस प्रोडक्ट का यूज किया हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट देते रहिएगा। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि ये प्रोडक्ट अपनी स्किन के टैनिंग को भी रिमूव करता है और कालेपन को भी हटाता है। और देखो, सर्दियों में विंटर के समय में हमारा स्किन इस तरीके का हो जाता है, कालापन सा आ जाता है, ड्राई सी हो जाती है, टैनिंग आ जाती है और बहुत भद्दा फेस हो जाता है। बॉडी मानो या चाहे फेस मानो, ये सभी के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है। तो आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आपकी स्किन एकदम ड्राई हो चुकी है, टैनिंग आ चुकी है तो उसको रिमूव करने के लिए आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। तो इस प्रोडक्ट का नाम है ग्लूटालाइट लाइटनिंग सॉप है। इस टाइप की पैकेजिंग मिलेगी, इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। ये 75 ग्राम का मिलेगा और मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक शेयर कर दूंगी तो आप वहां से भी खरीद सकते हो। काफी अच्छा सॉप है ये। देखो 10-20 रुपए वाला ये जो मिलते हैं ना सॉप, जो कि हम डेली यूज करते हैं, तो आप ना आपकी स्किन की टैनिंग को नहीं रिमूव कर सकते और हमारे स्किन एकदम काली सी पड़ जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सॉप थोड़ी ना हमारी स्किन की टैनिंग को रिमूव करेगा। तो गाइस, ये आपकी स्किन के टैनिंग को रिमूव करेगा। आप इसको फेस पे भी यूज कर सकते हो और पूरी बॉडी पे भी यूज कर सकते हो। तो किस तरीके से हमें यूज करना है, क्या ये सच में हमारे ये जो टैनिंग होती है उसको रिमूव करेगा, हमारी स्किन एकदम ड्राई सी हो जाती है, सूखी पड़ जाती है, विंटर के समय में सबसे ज़्यादा खराब हो जाता है हमारा फेस, चाहे बॉडी मान लो ये सभी खराब हो जाते हैं। तो उसको ये फेस पे भी यूज कर सकते हो, आप बॉडी पे भी यूज कर सकते हो। तो किस तरीके से यूज करना है, कितने टाइम तक यूज करना है, तो ये प्रोडक्ट का क्लेम है कि 7 डेज में ही आपका टैनिंग को रिमूव करता है, आपकी स्किन को सॉफ्टनिंग करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर करता है ये। तो जानेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स की जो सामग्री डाल के ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है। तो क्या क्या डाल के ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है, ऐसे कुछ भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना है आपको, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स जाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। और कभी भी कुछ भी सॉप आप यूज करते हैं उससे पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा हल्का सा लगा के देख लीजिएगा अपने फेस पे कि इससे कुछ जलन खुजली इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्योंकि हमारी स्किन अलग अलग प्रकार की होती है, सभी की स्किन अलग अलग प्रकार की होती है, किसी की स्किन पे सूट करता है, किसी की स्किन पे सूट नहीं करता। तो आपको चेक कर लेना है, अगर जलन खुजली इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही हो तो आप फिर बाद में आप अपने फेस पे अप्लाई कीजिएगा, अपनी बॉडी पे अप्लाई कीजिएगा ये प्रोडक्ट। तो जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, वैसे तो इसमें 5 इंग्रेडिएंट्स है लेकिन सबसे मेन आता है इसमें, सबसे मेन है इसमें ग्रीसलिन, जो कि आप विंटर के समय में हमें सभी लोगों ने ग्रीसलिन का यूज किए होंगे, ग्रीसलिन गुलाब जल मिक्स करके अपने बॉडी पे लगाए होंगे, फेस पे लगाए होंगे। ग्रीसलिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है अपनी स्किन को सॉफ्टनिंग करने के लिए, अपनी स्किन को वाइटनिंग करने के लिए, अपनी स्किन को टैनिंग को रिमूव करने के लिए। और इसमें ग्लूटाथियोन है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ग्लूटाथियोन भी जो कि हमारे स्किन को वाइटनिंग करता है, ग्लो करता है और अपनी स्किन को टैनिंग को रिमूव करता है, कालेपन को हटा के थोड़ा फेयर करता है। ठीक है, ये जो 2 इंग्रेडिएंट्स है काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स है गाइस, इसमें जो भी सामग्री मिलाया हुआ है वो काफ़ी अच्छे है। तो आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हो, आपकी स्किन पर कुछ भी सॉफ्टनिंग नहीं आ रहा, कुछ भी मॉइस्चराइजर नहीं हो रहा, आपकी स्किन एकदम फटी फटी सी हो जाती है सर्दियों में। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये प्रोडक्ट जरूर ले सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट सच में काम करेगा कि नहीं करेगा, कैसे साइड इफेक्ट भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये काम करेगा कि नहीं काम करेगा। तो ये आपके 100% ये काम करेगा, वर्क करेगा। आप इसका ट्राई करके जरूर देखना। अगर आपको जलन खुजली हो तो आपको ये नहीं यूज करना है, आपको आप लगा रहे हो आपको जलन सी हो रही है तो आप इसका यूज नहीं करना, ये इसके साइड इफेक्ट है। ठीक है, जिसको सूट करेगा उसको जलन खुजली इस तरीके की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। आप जानते हैं इसको यूज कैसे यूज करना है, 2 टाइम आपको यूज करना है, मॉर्निंग और नाइट में। ठीक है, तो किस तरीके से यूज करना है, जैसे फेस वॉश आप यूज करते हो उसी प्रकार आपको ये सॉप यूज करना है। पहले पानी से धो लेना अपने फेस को, फिर बाद में साबुन का अप्लाई करना है, 5 मिनट तक आपको मसाज करना है, फिर बाद में आपको धो लेना है। इस तरीके से आपको मॉर्निंग नाइट में 2 टाइम करना है। अब बॉडी पे कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी पे आप नहाते हो तभी आप कोई सॉप यूज करते हो, उसी जगह पर आपको ये सॉप लेना है और आपको बॉडी पे लगाना है, फिर बाद में मसाज करना है 5 मिनट तक, फिर बाद में आपको वॉश कर लेना है, नहा लेना है। इस तरीके से आपको यूज करोगे तो 7 डेज में ही आपको रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा, आपके टैनिंग
को रिमूव करेगा, आप खुद देखोगे कि हाँ इससे कुछ फर्क मिला है मुझे। अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रखी है तो आप इसको ट्राई जरूर करके देखना। जो सॉफ्ट है जो कि आपकी स्किन को लाइटनिंग करता है, फेयर करता है, थोड़ी स्किन टोन को फेयर करता है। अब ज्यादा ये फेयर नहीं करेगा, आप सोचो कि बहुत ज्यादा गोरा कर देगा, ये कर देगा, इतना गोरा नहीं करेगा, आपकी स्किन को फेयर करेगा ये, लेकिन हल्का लाइट करेगा। जैसे स्किन है आपकी उसी में खुश रहिएगा, जैसा आपका कलर है उसी में खुश रहिएगा। गोरे होने के चक्कर में आप इस प्रोडक्ट को ना खरीदे, ठीक है। आपकी स्किन को थोड़ा लाइटनिंग करेगा, ब्राइटनिंग करेगा, आपको अलग ही निखार देखने को मिलेगा और आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर करेगा, सॉफ्टनिंग करेगा, ठीक है। जो आपकी ड्राई ड्राई स्किन है उसको ये मॉइस्चराइजर करेगा, ठीक। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, एंड करते इस वीडियो को। आई होप इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ी सी भी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। और जिन्होंने वॉच किया इस वीडियो को उनको बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।